मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेयरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जहां पर पड़ाव थाना क्षेत्र का मामला है और दुकान में रखा हुआ डीप फ्रीजर और साथ ही में अन्य सामान भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया। डेयरी संचालक भी आग की चपेट में आ गया, जिससे उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आगजनी घटना में करीब 5 से 6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। समय रहते आसपास के दुकानदारों की मदद से सिलेंडर्स को हटा दिया गया। यदि सिलेंडर में आग की लपटें आ जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेंद्र है। अच्छा, कैसे क्या आग लगी डेयरी में? इसका क्या है, ये सिलेंडर लीक था। सिलेंडर लीक होने की वजह से आपका कभी यानी पुलिस करी नहीं। कोई घायल भी हुआ है क्या? हाँ, घायल हुआ है। डेयरी मालिक अपना भतीजा है। अच्छा, किस नाम से डेयरी थी ये? राजा और डेयरी। क्या 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 मिलता था? सबको दूध दही। दूध दही, पनीर, मटर, घी। कितने नुकसान करीब हो गया? नुकसान का 8 से 10 लाख का। नहीं, एक्चुअल तो वही बता पाएगा, वही संभाल पाएगा। 8 से 10 लाख का नुकसान। पर मशीनें वगैरह सब तो कुछ बचे ही नहीं दुकान में, कुछ नहीं बचा। अरे 8 से 10 लाख का नुकसान। हाँ, इतना मान लो, दो फ्रीज थे, मशीनें थी, दूध की फैट की, वो सब 8-10 लाख मान लो। हाँ। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।